हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है पापी और आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप 2020 के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हो, ये मेरा व्हाट्सएप है। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन आपको देखने को मिल रहा है। ये एक्चुअली व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे न्यू फीचर्स यूज़ करने को मिल जाता है जो आज तक किसी व्हाट्सएप के अंदर कभी देखे भी नहीं होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, थीम के अंदर डार्क मोड मिल जाता है जो आपका फ़ोन का बैटरी भी सेव करता है। उसके साथ साथ यहाँ पर और एक थीम मिल जाता है, वो है ट्रांसपेरेंट थीम। ट्रांसपेरेंट थीम ये होता है, आपका होम स्क्रीन बैकग्राउंड जो होता है वो ही यहाँ पर भी आ जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर स्टेटस में कुछ टेक्स वगैरह भी डालते हो तो यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट मिल जाता है बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर कस्टम पे किसी भी नंबर को बिना सेव किए डायरेक्ट एसएमएस और कॉल भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट पे आपको शेड्यूल मैसेज मिल जाएगा। डेट एंड टाइम फिक्स करके जब चाहे एसएमएस को सेंड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको प्लस के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। प्लस के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नंबर सिलेक्ट कर लेना है, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं उसको सिलेक्ट करने के बाद टाइप योर मैसेज पर आपकी कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ पर स्टार्ट डेट पर मैं डेट सिलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर 11 तारीख को सिलेक्ट कर दिया और ओके पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर टाइम भी सेट करना पड़ेगा, तो टाइम भी यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर 9 बजे सिलेक्ट कर दिया। 9 बजे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक, ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर शेड्यूल के ऊपर जब क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाएगा, तो वो उसी डेट पर सेंड हो जाएगा। उसके साथ चैट टेक्स्ट पर अगर फ्रेंडशिप टेक्स्ट देना चाहते हो तो उसके ऊपर क्लिक करके आप फ्रेंडशिप टेक्स्ट भी दे सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंडशिप टेक्स्ट भी मिल जाता है। उसके साथ साथ अगर किसी दोस्त ने अगर आपका एसएमएस का रिप्लाई नहीं दे रहा है तो उसका पिंग भी कर सकते हो। पिंग करने के लिए आपको सेट टेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। सेट टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पिंग है तो इसके ऊपर नंबर जो है वो यहाँ पर 10 है, तो मैं इसको काट के 5 कर देता हूँ। 5 करने के बाद जब सबके ऊपर क्लिक करने के बाद जब बॉम्ब टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली 5 पर सेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा 5 पर सेंड हो गया। उसके साथ साथ अपने दोस्त का डिलीट मैसेज और स्टेटस भी देखने को मिल जाता है इस व्हाट्सएप के अंदर। तो इस व्हाट्सएप को अपने मोबाइल कैसे इनेबल करना है उसके लिए देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। तो पहले आपका पुराना वाला जो व्हाट्सएप है उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद आपको चैट को बैकअप ले लेना है। तो यहाँ से मैं चैट को बैकअप ले लेता हूँ। चैट को बैकअप लेने के बाद यहाँ से आप सिंपली बैक आ जाइए। इसको ऊपर लॉन्ग प्रेस करके इसको अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद फाइल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जहाँ पर न्यू वर्जन ऐप को आप डाउनलोड करके रखा है वहाँ से डाउनलोड फाइल से उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल होने के बाद सिंपली करते हैं इसको ओपन। और कुछ परमिशन मांगेगा तो आप अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका नंबर डाल दीजिए। नंबर डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। जो आपने नॉर्मल व्हाट्सएप चलाने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करते हो वही प्रोसेस यहाँ पर भी है, तो आप सिंपली उसको अलाउ कीजिए। अलाउ करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अलाउ कीजिए। अलाउ करने के बाद कुछ वेरिफिकेशन होगा जो नॉर्मल सा प्रोसेस है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, अलाउ कीजिए। अलाउ करने के बाद रिस्टोर पर क्लिक कीजिए। रिस्टोर पर क्लिक करने के बाद आपने पुराने वाले व्हाट्सएप का जो बैकअप है वो इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नाम डाल के नेक्स्ट कीजिए। तो यहाँ पर मैं BM टेक टाइम, ठीक है, तो नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पर डाउनलोड कीजिए। डन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, या इसको क्लोज़ कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा न्यू व्हाट्सएप।
तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।